देखिए छिलका निकाल रहा है शुभम जी, अपना ही देसी स्टाइल से मुंह लगा दिया है। और इधर प्रीतम जी हैं, ये अपना स्टाइल लगा रहा है। और ये अभी हम नहीं खा रहे हैं, दिखाइए निकाल देखिए कैसा लग रहा है, कैसा टेस्टी है, कैसा टेस्ट। विटामिन है कि नहीं इसमें, पूरा विटामिन है। अच्छा तीखा लगता है कि खट लगता है, मीठा लगता है, मीठा लगता है। जो अभी मजे खा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जो सीन है, ये सरसों का है। जैसे हम लोग इसे तेल निकालते हैं, अच्छा खासा हम लोग तेल अपना उत्पादन करके तेल बनाते हैं। जिसमें हम लोग अच्छा का तेल मिलता है, मिलावट तेल हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग वही तेल से हम लोग खाना सरसों से रोटी वोटी पकाते हैं और कुछ सब्जी बनाते हैं। हम लोग बिना मिलावटी तेल से यूज नहीं करते हैं, हम लोग जल्दी बीमार होने का दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों आप लोग बता जा रहे हैं किस टाइप से हम लोग सरसों का खेती करते हैं, और आप लोग और सीन दिखाते हैं कुछ अलग टाइप से देहाती ब्लॉग में। चलिए लेट्स गो। देखे थोड़ा फ्रेंड, ये मेरा आलू है जिसमें हम लोग मेरा 2 पटावन पानी दे दिए हैं, जिसमें हम लोग देखिए इतना बड़ा बड़ा आलू हो चुका है। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं प्रीतम जी हैं और ये शुभम जी हैं, ये लोग दोनों मेरे साथ आए हैं यहाँ पर घूमने। फूल है, फूल फूल रहा है। तो इस टाइप से हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो खाने भी हम लोग आलू की जगह अपना खेती उधर खेती देखभाल में आए हैं। अभी यहाँ पर है टमाटर गाछी, इसको भी हम लोग पटावन करेंगे, पटाएंगे। और यहाँ भी है, आप लोग देख रहे दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस हिसाब से आप लोग जो लोग यहाँ से भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के तरह से इधर इधर ऐसा ऐसा मिल देखने के लिए मिलता है। और आप लोग तो ये हर जगह पर मिलता है, बंधा को भी है, जो अभी बांधा रहा है। और यहाँ पर मेरा जगह पर है, उधर मटर है, इधर से सब है। तो आप लोग आगे का सीन दिखाते हैं किस टाइप से, देखिए उधर पानी फेंक रहा है। और ये देख रहे हैं, ये मटर है जो अभी यहाँ शुभम जी का ही मटर है, जो लड़का है, जो अभी 5 एकड़ पर मटर लगा चुके हैं। जो कि यहाँ से आपको जितना दिख रहा होगा, ये सभी जहाँ तक दिख रहा होगा, इधर जहाँ से वहाँ तक दिख रहा होगा, ये सभी यही लड़का का है जो हर मंथ 20 से 30 हज़ार अर्न कर लेता है। अभी वहाँ मशीन चल रहा है, उसको चलिए दिखाते हैं। यहाँ मशीन चल रहा है, देखिए हम लोग का सिंचाई हो रहा है, पानी से देखिए यहाँ बंदा पानी पी रहा है यहाँ पर अच्छा तरीक़ा से, ये पानी पी रहा है। उधर प्रीतम है, जो अभी चल दिखाएंगे किस तरह का चला जाता है। तो ये देखिए चल रहा है प्रीतम जी, यहाँ कुआँ है, उसको बहुत नीचे पानी है, इधर चल रहा है। बस दिखा दे पीटर चल के किस टाइप से रहता है, लौट कर हम किए जाते हैं। देखिए राजू अभी ये रही जी है, यही पानी पी रहा है, जो हमारे किटिया ग्रुप है मेंबर पी रहे हैं, देख लीजिए वहाँ पर ना। अभी पानी का हम लोग ले जा रहे हैं उधर काम के लिए, वो टमाटर का बोले थे वहीं पटाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग जो जा रहे हैं टमाटर गाछी, इसको अभी पटाएंगे, जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे। तो खेती बाड़ी बच्चों खेलने होता है, बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं, तो हम लोग खेती बाड़ी बच्चों खेलने होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, हम लोग को खेती उधर के लिए पब्लिक लोग यही लोग समझता नहीं है। दूसरा उपजा हुआ सब्जी को खाता है और बड़ा बड़ा बात फेंकता है, कैसा है उसे कुछ सब्जी तो उगा के देखता पता चले। हम लोग सब्जी बेचने नहीं जाएंगे, गांव बाजार में सभी लोग भूख से मर जाएगा। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करना बनता है। अभी ये है टमाटर का, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से बता रहे हैं, या इतना मेहनत करने के फल से दोस्तों हम लोग को अच्छा अच्छा सब्जी का रेट नहीं मिल पाता है। जो लोग बैठे बैठे रहते हैं वो लोग अच्छे तरीके से खा लेते हैं, हम लोग जो होता है कने हुए चीज़ खाते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग बने पर रहे, अभी इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो हम लोग फिर से भी पानी भरने आ गए हैं कि एक बाल्टी में नहीं हुआ, तो अभी दूसरा बाल्टी चालू है। मूली हम लोग मूली खाने जा रहे हैं अभी, तो देखिए अभी मूली की चाय क्या है। सो ऐसे बारी पटाया जाता है, जो देख रहे हैं अभी पानी जा रहा है। सो ये लहसुन है, वो जल्दी उपजा होने वाला है, उपजा होने वाला है। चाचा जी पटा रहे हैं, चाचा जी उधर पटा रहे हैं, आप देख सकते हैं उधर ध्यान से। अरे देखिए ये है सल्फेट है, ये सल्फेट है जो आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। और ये मेरा चप्पल है, चप्पल है। और हम लोग देखिए अच्छा 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 यहाँ मूली है, जो हम लोग खाने जा रहे हैं, चलिए धोते हैं। पानी करते हैं। तो जो दोस्तों टमाटर में पानी देने जा रहे हैं फिर से एक बार, तो दोस्तों अभी बहुत सारा टमाटर उसमें पानी दे रहे हैं। आप लोग खेतों तरफ घूमने आए थे, तो घूमने के हम लोग अपना है जमीन है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, लगाते हैं, और हम लोग देसी स्टाइल में खेती करते हैं और खाते पीते हैं। और हम लोग अभी देखे दिखा रहे थे औरतों का जो था,
सरसों हम लोग उसे अच्छा खासा उपजा होता है, उसे सरसों निकलता है, हम लोग तेल जब होता है उसे हम सोजी बनाते हैं और कभी कभी रोटी पकाते हैं और मिलावट तेल का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग रियल सरसों खाते हैं पीते हैं। और जैसे अभी गोभी लगा हुआ है देख रहे होंगे, ये मेरा ये है देखिए प्रीतम जी है अभी डाल रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा तो हम इसको उपजाऊ में डाल लगेंगे और उपजाऊ करेंगे, जिससे हम लोग टमाटर फल देगा तो हम लोग अच्छे से खा सकते हैं और वहाँ बेच सकते हैं, जिसमें मार्केट हुआ मंडी हुआ वहाँ हम लोग टमाटर को बेच सकते हैं। इसी तरह हम लोग को अभी कभी ऐसा होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग का जो होता है सब्जी वो रेट पर नहीं दम बिकता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुच्छी होता है कि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हम लोग सब्जी नहीं बिक पाता है। अभी हम लोग इसको कितना मेहनत कर रहे हैं, इसको पानी दे रहे हैं, फिर बढ़ेगा, फिर इसको फिर दूसरी जगह पर लेकर गाड़ेंगे, फिर रोपेंगे, तब फिर वो बढ़ेगा, फिर फलदार देगा, दवा मारेंगे, फिर लेकर बाजार लेंगे, उसमें भी हम लोग का 10-5 ही रेट मिलेगा, जब लोग कुछ प्रॉफिट नहीं पड़ता है। देखिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, अभी इसको दाना खरीदे 450-500 लगा एक पैकेट को, हम लोग 2 पैकेट लाए थे, अभी 400-500 लग गया है, पर खर्च हो गया, फिर यहाँ खाद मान डाले और जिसमें हम लोग बाजार ले जाते हैं तो 10 रुपये बिकता है, तो हम लोग कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बट हम लोग छोड़ते नहीं है क्योंकि हम लोग पूजे जो कर खेती करते हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बनना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से खेती करते हैं, आप लोग आशित रहे लेकिन दिखाते आप लोग खूबी किस टाइप हम लोग को हुआ है। ये हम लोग का बांधा खूबी है, शुभम जी कैसा है तो खा लीजिए वीडियो अच्छा लगा दोस्त लोग दिखे। और ये देखिए मेरा पनक भी है जो अभी बंधा रहा है, जिसमें हम लोग दवा डाले थे सुबह और अभी शाम हो गया है, सुबह और जब पानी कम पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, कुछ व्यवस्था नहीं किया पाए, 3-4 दिन के बाद फिर हम लोग फिर हम लोग इसको पटावन में लगेंगे, वो भी हो रहा है अच्छा तरीके से, देखते किस तरह से बिकता है, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का ये भी लगता है कि दाना किए दाना किए, इसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, दवा हफ्ते डालना पड़ता है, दिनों प्रतिदिन डालेगा गोभी में, जानते हो जो लोग खेती करते हैं जानते होंगे कि टमाटर और गोभी में कितना दवा लगाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग यही बोलना चाहते हैं, आप लोग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि न्यू वीडियो में देसी स्टाइल लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, लेट्स गो।